हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस। तो फाइनली आइए जानते हैं इंडियन बॉलीवुड सिनेमा हाल से जुड़ी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की सिम्मत चावंटेड न्यू अपकमिंग मूवी छोटे मियां और बड़े मियां के बारे में, जिस मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसी मूवी का इंतजार इनके फैंस को बहुत ही बेसब्री से है और वाकई में ये मूवी बहुत ही कमाल की और शानदार होने वाली है, जो कि इन दिनों चर्चा के विषय पर बनी हुई है। तो आइए जानते हैं ये मूवी कब और किस दिन रिलीज होने वाली है और इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट क्या है। और इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे इसी वीडियो में अंत तक, और नए हैं तो हमारे इसी वीडियो और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे मिलता है नई मूवी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। जिस मूवी में दो एक्शन स्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपने एक्टिंग को लीड करते हुए नजर आएंगे। इंडियन बॉलीवुड डायरेक्टर अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनाई जा रही इसी मूवी का 8 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया गया था, जिस वीडियो को देखकर इनके फैंस के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वीडियो एक ब्लैक एक्शन थ्रिलर की तरह लग रही थी। पहले कई खबरें इसी ओर इशारा कर रही थी कि यह मूवी 1998 में आई इसी नाम की एक सुपर एक्शन कॉमेडी मूवी का रीमेक है, जिस मूवी में बड़े मियां और छोटे मियां यानी अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने अभिनय किया था। लेकिन 2 मिनट 11 सेकंड का यह वीडियो देखकर दर्शकों को पता चला कि यह मूवी रीमेक के रूप में काम नहीं करेगी, यह तो एक्शन और थ्रिलर से भरपूर आधारित मूवी होने वाली है। एक इंटरव्यू में इसी मूवी के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने कहा था कि उनका उसी पुराने मूवी से कुछ लेना देना नहीं है। और इसी के साथ इसी मूवी पर शूटिंग अगले साल जनवरी में बड़े जोर शोर के साथ शुरू हो जाएगी। इसी मूवी में एक्शन किंग टाइगर श्रॉफ के साथ आपको रोमांस करती हुई फीमेल एक्टर के रूप में जाह्नवी कपूर दिखाई देने वाली हैं, और वहीं अक्षय के साथ रोमांस करने वाली फीमेल एक्टर लेडी के कास्टिंग की प्रक्रिया अभी जारी है, जिस मूवी की शूटिंग बड़े हाई लेवल पर यूरोप में किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें अक्षय कुमार की तो अभी बीते दिनों उन्हें राम सेतु मूवी में एक्टिंग करते हुए देखा गया था, और इसी के साथ गोरखा सेल्फी जैसी कई मूवी को लेकर सुर्खियों में चर्चा के विषय पर बने हुए हैं। और उसी के साथ इसी मूवी में भी आपको काफी ज्यादा एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर और विजुअल इफेक्ट देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इसी मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले साल 2023 में क्रिसमस डे के दिन इंडियन बॉलीवुड सिनेमा हॉल के बॉक्स ऑफिस पर जोर शोर के साथ धमाल मचाती हुई दिखाई दे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ये मूवी इंडियन बॉलीवुड सिनेमा हॉल के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी या नहीं मचाएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।